ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहराया न ठहर पाता है। तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तो कितना बाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तो कितना बाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहराया हाँ ना ठहर पाता है। दुनिया को पान सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पान सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले वक्त चला जाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहराया हाँ ना ठहर पाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहराया हाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहराया हाँ ना ठहर पाता है। कोई न ठहराया हाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहराया हाँ ना ठहर पाता है। ओम शांति। कहा जाता है संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है,
बातचीत से पता चलता है कि इंसान कैसा है। बहस की जाती है तो पता चलता है ज्ञान कैसा है। नजरें किसी की बता देती है कि चरित्र कैसा है। ठोकर बता देती है कि ध्यान कैसा है। स्पर्श बता देता है कि किसी की नीयत कैसी है। विनय बता देता है कि उसकी शिक्षा कैसी है। मुश्किलें बता देती है कि किसी का हौसला कैसा है। वाणी बता देती है किसी का स्वभाव कैसा है। और मृत्यु बता देता है कि इसकी जिंदगी कैसी है। ये एकमात्र सच्चाई है और ये सबसे बड़ा भय है। और इस सच्चाई के ऊपर और इस भय से मुक्त करने के लिए आज हमारे बीच आदरणीय ब्रह्मा कुमारी हेतलबेन पहुंचे हैं। और हेतलबेन की विशेषताएं हम पहले भी देख चुके हैं। हेतलबेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनकी तारीफ के लिए यही शब्द कहूंगी कि सरस्वती ने उन्होंने शायद सरस्वती के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जब भी बोलती है तो ऐसा लगता है कि सरस्वती ही बोल रही है। तो हेतलबेन, आपका बहुत बहुत सैन फ्रांसिस्को अनुभूति परिवार की तरफ से, चंद्रु दीदी, हेमा दीदी और सभी सीनियर बहनों की तरफ से बहुत 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 स्वागत है। हेतल दीदी बचपन से ही राजयोग का अभ्यास करते हैं। पिछले 20 साल से भी ज्यादा समर्पित रूप से ईश्वरीय कार्य में अपना इन्होंने जीवन दिया है। और कई सब्जेक्ट के ऊपर उनकी मास्टरी है और उसमें से एक सब्जेक्ट है क्लैरिटी ऑन डेथ। तो मैं हेतल दीदी से अनुरोध करती हूँ कि आप हम सभी का स्वागत स्वीकार करें और हम एक हाथ की ताली से हेतल दीदी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, वेलकम करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। ओम शांति। परमात्मा के ऑनलाइन ही सही, परंतु इस घर में आप सभी का भी बहुत बहुत इंडिया में स्वागत है। तो वर्तमान समय की स्थिति जो है उसको देखकर हम यही कहते हैं कि अभी का जो समय है ये हॉलसेल मृत्यु का एक समय चल रहा है। अनस्टेबल सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं। तो संसार के रंगमंच बहुत से पार्ट पूरे हुए, बहुत से लोग आए और अपना किरदार निभाया, सुबह से शाम, शाम से रात, फिर सुबह, ये भी एक चक्र चलता है। और बहुत से ऐसी बातें हैं जो ऐसे चक्रीय क्रिया में चलती है, मन सर्कल है, रुक नहीं सकता। लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं उठाया रात के बाद दिन क्यों, या दिन के बाद रात फिर क्यों होती है। यहाँ तक कि जब एक पौधे पर, एक प्लांट पर एक फूल खिलता है या फल लगता है, समय पर वो जब मुरझा के गिर जाता और फल पककर जब नीचे आ जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। नियम है ये, उसकी प्रोसेस है और वो होनी ही है। ऐसे बहुत से नियम है। ऋतु चक्र में कभी क्वेश्चन नहीं है, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, क्यों। यहां तक कि हमने साइकिल को इतने अच्छे से स्वीकार कर लिया कि हम इसके अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। दिन भर में अगर काम पूरे नहीं होते हैं तो रात को जाग कर करेंगे, पर ये क्वेश्चन नहीं है कि रात क्यों हो गई, दिन क्यों नहीं चल रहा है, मेरे तो काम बाकी है। ये भी नहीं हो सकता, मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो रात क्यों पूरी हो गई, दिन क्यों आ गया। नहीं, हमने चक्र के अनुसार जीना शुरू किया, कोई क्वेश्चन नहीं।
लेकिन जहां जब किसी की डेथ का समाचार कानों पर आता है कि फलाने फलाने की डेथ हुई है, बहुत बहुत क्वेश्चन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हालत थी, कारण क्या था, बहुत कुछ। और जब रियल कारण पता चले कि ये वजह थी, चाहे बीमारी, एक्सीडेंट, आयुष्य के हिसाब से बहुत कुछ कारण है, प्राकृतिक आपदाएं, तो बहुत से सुझाव हम उनको दे देते, माने सॉल्यूशन बताते, ऐसा नहीं करते ना तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते ना तो ये नहीं होता, ऐसे चलते तो ये स्थिति नहीं बनती, ये सॉल्यूशन हम बताते हैं। पर बहुत शांति से सोचो, सब कुछ संभल संभल कर चलने के बाद, एक एक कदम फूंक कर रखने के बाद भी, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल, कभी तो इसको स्वीकार करना था ना। और वास्तविक जीवन का रास्ता देखने जाओ, अपने घर से लेकर स्मशान तक कितना ही है, इतनी लंबाई है हमारे जीवन के रास्ते की। अपने जीवन में कहाँ एंजॉय किया, या कहाँ कारोबार के लिए निभाया, कहाँ कहाँ तो टाइम वेस्ट भी हो जाता है। बाकी जीवन का सही रास्ता इतना ही, मंजिल इतनी दूर थी। अब मूल बात पर आते हैं कि मृत्यु का डर क्यों, और आने पर इतना रोना, तड़पना, घबराना, ये सब क्यों? इसका एक कारण, जैसे मान लीजिए आपकी दो गली छोड़कर या दो घर छोड़कर आपका जान पहचान वाला कोई बीमार है, आपको पता है, और आपने बोला था एक दो दिन में हम आपको मिलने आ जाएंगे फ्री होकर, आपने अपने संग भी किसी को तैयार किया था कि 2 दिन के बाद चलेंगे उनके वहां, आप मेरे को याद कराए। अब मान लीजिए जब वो रेडी हो रहे हैं या रेडी होकर आपके पास आते, कहते चलो उनके घर चलना है ना, तो हम क्या जवाब देते? कोई पिकनिक पार्टी में नहीं जा रहे, बीमार को देखने जा रहे, फिर भी हम जवाब क्या देते? 2 मिनट रुक जाओ, मैं तैयार हो जाऊं। 2 मिनट में क्या तैयारी होती है? बस आईने में चेहरा देख लेते, थोड़े से बाल ठीक कर लेते, मेकअप तो नहीं करना है क्योंकि हम पार्टी में नहीं जा रहे। कहने का मतलब ये है कि हमें दो घर छोड़कर जाना है, किसी को देखने जाने, नॉर्मली बातचीत करने जाना था या मिलने जाना था, तो भी कहते 2 मिनट भी मैं तैयार हो जाऊं। माना हम एक घर से दूसरे घर, एक गली से दूसरी गली भी बिना तैयारी के नहीं जाते, और जीवन की अंतिम यात्रा हम बिना तैयारी के शुरू कर देते, ये सबसे दुखद, घबराने वाली, डरने वाली, रोने वाली सिचुएशन है, क्योंकि बिना तैयारी के निकल जाते। पूछो किसी को, मरने की तैयारी कोई करता है क्या? जीवन के 3 मूल प्रसंग है। पहला है जन्म। आज घर में कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है ना, तैयारी पूछो तो 2-3 मंथ पहले से, बिफोर टाइम। जन्म के बाद दूसरा प्रसंग आता है मैरिज, जिसकी तैयारी पूछो 6-6 महीने पहले, जिसमें इंसान तन मन धन समय संबंध स्थान सब कुछ खर्च कर। उसकी तैयारी पूछो, सेकंड पहले की भी नहीं होती है, सेकंड पहले की भी नहीं होती है। और इसलिए रोना घबराना ये सब है। जैसे आप देखो स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उन बच्चों में 2 प्रकार होते हैं। एक बहुत होशियार जो समय से पहले, चाहे मुख से बोलकर टीचर को सुनाना है ओरली, चाहे पढ़कर बताना है, चाहे कोई होमवर्क है लिखने वाला, याद करने वाला, वो हर तरह से कंप्लीट होकर रेडी रहता है, कब? स्कूल के बिफोर टाइम। और एक होता है डल है, जिसको कुछ नहीं करना है, उसको भी सेम होमवर्क, सेम टीचर, सेम स्कूल, सेम सिलेबस, सेम सिचुएशन, वो किसी में भी कंप्लीट नहीं, अनकंप्लीट है।
स्कूल तो दोनों के लिए खुलेगा ना, टाइम भी तो सेम ही रहेगा खुलने का। अब एक कंप्लीट है एक अनकंप्लीट है, प्रेजेंट दोनों होंगे स्कूल में, और जब क्लासरूम में प्रेजेंट होंगे तो दोनों की सिचुएशन क्या होगी, क्या सिचुएशन होगी? एक घबराया हुआ है और एक बहुत खुश है, वो इंतजार कर रहा है कब मेरा टीचर मेरी कॉपी देखे, मेरे से पूछे, आंसर पूछे, वो रेडी पोजीशन में है और वो शाबाशी के लायक बनता है। और अनकम्प्लीट सजा का पात्र माना पनिशमेंट, एक ही क्लासरूम में एक को शाबाशी मिल रही है एक को सजा मिल रही है। तो ये संसार के क्लासरूम के अंदर जब हमारी लास्ट सिचुएशन जो होगी उसमें भी हमारे जीवन काल का हिसाब पूछा जाएगा, होमवर्क पूछा जाएगा। कंप्लीट है बी हैप्पी, अनकंप्लीट है घबराएंगे। और पूरे जीवन काल का स्थूल सूक्ष्म मरने पर सारा हिसाब सामने आता है। जैसे इंडियन स्टोरी आपने दशरथ की सुनी है कि लास्ट मोमेंट पर उसको सारा हिसाब याद आ रहा था कि मेरे चार बच्चे हैं और चारों ही मेरे मृत्यु के टाइम पर हाजिर, कारण क्या था? तो बोला वो श्रवण का वध। ऐसे हर इंसान की लाइफ में जब वो डेथ के पास पहुंचता उसके कर्मों की सारी कहानी उसी को दिखती है। इसलिए देखो कई बार वो बेड पर पड़ा है, बहुत पेनफुल लाइफ जी रहा है, लोग भी कहते ये छूटे छूटे, कई बार तो उसके पास इंडिया में देखो महाभारत पढ़ा जाता है, भागवत पढ़े जाते, गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, पर ये देखा जाता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर उसका अपना रेल चल रहा है, पूरे जीवन का दर्शन हो रहा है, कितना टाइम वेस्ट किया, कितनी एनर्जी वेस्ट की थी, कितनों के साथ गलत किया, क्या सही किया, सब। लेकिन उस समय करने की मार्जिन नहीं होती है, इसलिए अंदर से एक डर, एक पछतावा, एक घबराहट ये होता है। तो मरने की तैयारी के साथ जीवन जियो, जीवन नहीं जियो ये नहीं कहते, लेकिन मरने की तैयारी के साथ जीवन जियो, क्योंकि हमने जो लाइफ जी है या हम जो कर रहे हैं अभी के हिसाब से, उसमें हमें अपने आप को पहले कंप्लीट करना है। जैसे दुनिया में देखो हर घर में एक लड़ाई चलती है, अभी तो कम हो गई है लड़ाई, और वो लड़ाई है वारिश माना बच्चा। हाँ भले आज लड़कियों को बहुत अच्छा मान मिलता है पर वारिश का टाइटल तो अभी भी नहीं मिलता है। भले आज कई घरों में लड़के नहीं है, बड़ी खुशी से लड़कियों को रखते, प्यार से पालना करते, पर वारिश का टाइटल अभी भी लड़कों पर है। लड़ाई कम हो गई है इस वारिश की। तो वारिश उसको कहा जाता जो आपके संस्कार और संस्कृति दोनों को बरकरार रखे। क्या ये गारंटी आप अपने वारिश पर रख सकते हो? और वो वारिश तो ऐसा है, आपका बच्चा जो परिवार के नाते है, संबंध के नाते, वो ऐसा वारिश है जिसको आप देख कर जाएंगे, दिल करके जाएंगे, लेकिन हम स्वयं क्या लेकर जाएंगे? तो आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअलिटी से अगर देखा जाए तो हमारा वारिश हमारा पुण्य है जो आने वाले जन्म को सुधारता है, तैयार करता है एक ऐसा परिवार। इसलिए तो देखो हिंदू धर्म में मरने वाले का नाम, जब मृत्यु हो जाती ना, उसके बाद उसका नाम जहां भी लिखा जाएगा, जहां भी बोला जाएगा, उसके नाम के आगे एक शॉर्ट फॉर्म जोड़ा जाता है। आप सबको भी पता होगा कौन सा नाम जोड़ा जाता है, स्व माना स्वर्गवासी, फुल फॉर्म है स्वर्गवासी, है ना। अब सोचने वाली बात है कि अगर कलयुग में जीने वाली इंसान की जो जीवन है वो मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाकर पुनर्जन्म लेगी तो स्वर्ग वाले कहां जाएंगे? लेकिन हिंदू धर्म की सबसे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि जो कहे वो ये होती है कि ये आत्मा का जीवन काल जैसा भी था,
जिस भी सिचुएशन में था पूरा हुआ, लेकिन अब जो घर मिले, जो परिवार मिले, स्वर्ग समान मिले, इसलिए उसको स्वर्गवासी की श्रद्धांजलि दी जाती है। तो हमारा पुण्य हमारा घर चुनता है, गलत कर्म नरक चुनेगा, सही कर्म स्वर्ग माना सुखों से साधनों से भरपूर घर चुनता है। अब देखो, मनुष्य जीवन तो जीता है पर मृत्यु की तैयारी तो कभी नहीं करता। नौकरी की तैयारी करेंगे, नया घर बनाने की तैयारी करेंगे, बच्चों को बड़ा करने की तैयारी करेंगे। अपने आप से एक बार पूछ लो, मृत्यु की तैयारी का सोचा था? मृत्यु की तैयारी के लिए भी पूछो तो क्या कहते, कहते हमने मेडिक्लेम करा लिया, हमने एक डॉक्टर फाइनल कर दिया अपना, हमने ये कर लिया ताकि कुछ होवे तो ये हमारी सेवा करेंगे, धन काम आएगा। ये इस जन्म तक का था। तो मृत्यु के पीछे की जो बातें है उसको बड़ी सूक्ष्मता से समझना पड़ता है। तो देखो, खासकर जब किसी की डेथ हो जाती है, जन्म जो मिलता है, जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु। पहले मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ, जिसके जरिए मेरे को आपको समझाना बहुत इजी होगा और आपको भी। जैसे मान लीजिए आपका और मेरा रिश्ता बहुत बहुत अच्छा है, सालों से बातें आई पर कभी तू तू मैं नहीं हुआ, ऊपर नीचे भी बहुत हुआ पर रिश्ते खराब नहीं हुए सालों से। अब ऐसा हुआ कि आप कोई साधन लाते हो, जरूरत का साधन था। अब वो साधन आप किसी किसी को कभी कभी चाहिए तो किराए पर भी देते, माना 1 घंटे का पेमेंट या 2 घंटे के पेपर देते हैं। एक दिन जरूरत मुझे पड़ी, मैंने आपसे मांगा। हमारे बीच में मूल बात क्या थी? रिश्ता, है ना? अब मैंने जब आपसे मांगा, मेरे को ये आप देंगे क्या, और पेमेंट क्या करना है, तो बोला अभी ले जाओ बाद में देखेंगे, क्योंकि रिश्ता मूल आधार था हम दोनों के बीच। मैंने वो इंस्ट्रूमेंट आपसे लिया पर मुझे नॉलेज नहीं थी कि इसको कैसे चलाया जाए, बस देखा था, उसके फायदे पता थे। मैंने थोड़ा थोड़ा सीख सीख के उसको चलाना शुरू किया, पर मान लीजिए मेरी गलती की वजह से, नॉलेज की कमी के कारण वो साधन डैमेज हुआ, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो मेरा फर्ज क्या होता है, मेरा फर्ज क्या होगा कि या तो मैं आपको जैसा आपसे मैंने एकदम राइट सिचुएशन में सही सिचुएशन में लिया था वैसा ही कंप्लीट करके आपको दो, मना रिपेयर करा के दू, नंबर वन। अब नंबर टू, या तो मैं आपको ऐसा ही खराब दे दूं लेकिन आपको ये कहूं इसको प्रॉपर स्थान पर आप रिपेयर करा लीजिए और पेमेंट मैं करूंगी, खर्चा मैं देंगी, यही दो रास्ते। अब मैंने ये सोचा हम दोनों का तो रिश्ता बहुत अच्छा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपसे अच्छा लिया और खराब करके आपको लौटा दिया। ज्यादा खर्चा नहीं था और आपका साधन था, आपकी जरूरत थी, आपने रिपेयर करा लिया, संबंधों में फिर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरे साल नेक्स्ट ईयर फिर से मुझे जरूरत पड़ी, मैंने फिर से लिया, फिर वही 3 साल 4 साल 6 साल। अब 7वें साल में आपसे लेने आऊं क्या होगा? 7वें साल में आपसे लेने आ रही हूं, उसके बीच बहुतों ने उसको यूज किया है, देंगे कि नहीं देंगे? 6ठे या 7वें साल में आपसे वो साधन लेने आऊं और सिचुएशन पता है आपको, मैं अच्छा लूंगी खराब करके लौटाऊंगी, देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि लड़ाई अभी भी नहीं हुई है, तू तू मैं अभी भी नहीं हुआ, बोलना वैसा ही वैसा है, रिश्ते वैसे ही है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे को मिलेगा, लेकिन जब ऐसा होता है ना, ज्यादातर जनरल यूज बन जाता है, तो हम क्या करते, अपने लिए एक अलग सा ले आते, दूसरा मशीन,
उसको हम किसी को शो नहीं करते, किसी को नहीं देते। अब उसको हमने जनरल में रख दिया, जो जैसा ले जाए, रिपेयर कराए, यूज करे, वापस रख दे, बस काम खत्म। मतलब अब जब मेरे को मिलेगा तो कैसा मिलेगा? डैमेज। अब मैं डैमेज लाऊं, फिर रिपेयर कराऊं, फिर यूज करूं, मैंने खराब लाऊं, अच्छा बना के आपको दूं। मंजूर है? मंजूर है? नहीं, ये एक एग्जांपल था। वास्तविकता ये है, हमारा और ऊपर वाले का रिश्ता आज तक खराब नहीं हुआ। हुआ है किसी का? आज तक कोई मंदिर से, चर्च से निकल कर कहता है गॉड से झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, अब नहीं बोलेंगे, अब उसके बाहर हाँ नहीं जाएंगे, अब उसका नाम नहीं लेंगे। हुआ है कैसा? बहुत अच्छे रिश्ते। और उस नाते हर जन्म में ये शरीर का साधन जो प्रकृति के पांच तत्वों से बनता है, बहुत अच्छा देता है, वो कंप्लीट काम करने वाला देता है जन्म के टाइम। और मरने तक हम इसको कैसा बना देते? हजारों दवा इंजेक्शनों से चलने वाला, अनेक ऑपरेशनों के टांके लगा दिए, ऐसा बना देते। कहां तो ओरिजिनल स्पेयर पार्टी चेंज कर देते, आर्टिफिशियल लगा कर बैठे हैं, है ना? और जब लौटाना होगा प्रकृति के पांचों तत्वों को, क्योंकि हम मरने की तैयारी तो करते ही नहीं, इसलिए हमने हर जन्म में ऐसा डैमेज देते 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 प्रकृति को बिल्कुल तमो प्रधान बना दिया। बाहर से भी इतना ही पॉल्यूशन, गंदगी, अंदर से भी उतना ही मन स्थूल सूक्ष्म बहुत पॉल्यूटेड किया है। अब कहां कहां जन्म हैंडीकैप होते हैं, वरना बिगड़ा हुआ साधन मिलता है। तो मंजूर है? जब कोई बच्चा अपने घर में हैंडीकैप जन्म ले लेता तो कितने क्वेश्चन ऊपर वाले को पूछते, सबके बच्चे ऐसे, सबको अच्छा मिला, मुझे ऐसा क्यों, या मेरे घर में ऐसा, हमने लौटाया ऐसा था। और ये ना हो, इसके लिए जब किसी की डेथ होती है तो उसके पीछे कुछ कुछ विधिया की जाती है, माना रिपेयरिंग किया जाता है। वो कैसे? जब बॉडी घर में होती है तो इंडिया में देखो, मुख में गंगाजल रखने की एक सिस्टम है। मुख में गंगाजल रखने का अर्थ है शरीर के अंदर रहे हुए जल तत्व का शुद्धिकरण, अर्थात रिपेयरिंग। बाकी पता है कि अगर अमृत भी लाकर रख दिया जाए तो भी अंदर ही नहीं जाएगा, बॉडी वर्क ही नहीं करेगी, गले से नीचे तक नहीं जाएगा। लेकिन ये एक धारणा है कि ये करने से शरीर का एक तत्व का शुद्धिकरण होगा। दूसरा है मुख में तुलसी पत्ता रखना। तुलसी को आयुर्वेद के अंदर एंटीबायोटिक माना जाता है। पहले के जमाने में देखो, घर के एंटर होते ही पहले तुलसी का प्लांट लगाते थे ताकि उससे क्रॉस होकर जो हवा आए ना, वो शुद्ध होकर आए। तो तुलसी मुख में रखते हैं आकाश तत्व की शुद्धता के लिए। चंदन लगाया जाता वायु तत्व की शुद्धता के लिए। चंदन जितना खुशबू के लिए फेमस है, उतना ही गुण में शीतल है। और हम प्रे करते शीतल काया मिले। चौथा होता है घी लगाते हैं, जिससे अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, उस शरीर के संस्कार किए जाएंगे। ऑयल में सबसे श्रेष्ठ प्रकार है घी। घी से अग्नि तत्व की शुद्धता मानी जाती है। और अंत में अस्थियों को दूध से धोकर अच्छे स्थान पर विसर्जित करना, ये भूमि तत्व की शुद्धता। तो पांच तत्वों का रिपेयरिंग हो गया। अब दूसरे जन्म में केवल हमें शरीर ही नहीं, बल, बुद्धि, समझ, सब कुछ अच्छा चाहिए, जिसको कहते कंचन काया। इसलिए मरने वाले के मुख में कंचन, किसको कहते कंचन? गोल्ड, सुवर्ण, है ना? उतना सा कंचन रखकर ऊपर वाले को प्रे करते, नेक्स्ट बॉडी कैसा देना?
कंचन काया देना, अर्पण कितना किया, रज मात्र, और उसकी एवज में हमारे जीवन काल पर बोझ कितना था, फिर भी ऊपर वाले के साथ संबंध अच्छे देता है वो। तो ये एक सिस्टम पूरी होती है रिपेयरिंग का। दूसरा नंबर हमने बताया था, अगर रिपेयर नहीं कराते हैं तो फिर खर्चा देना, माना पे हम करेंगे, रिपेयर आप करा लो। तो यहाँ खर्चा किसको देंगे, ऊपर वाले ने कोई शॉप खोल के नहीं रखी है नीचे, लेकिन उस आत्मा के नाम पर हम बहुत प्रकार से दान पुण्य कर देते, कहाँ कपड़ा, कहाँ भोजन, कहाँ धन, मतलब जहां हमारी इच्छा होती है, कहाँ गरीब बच्चों को, कहाँ स्कूल में बच्चों को, कहाँ गौशाला में, है ना, अलग अलग मंदिरों में, आश्रमों में, नॉट कंपल्सरी, इतना ही यथाशक्ति और अपनी इच्छा से। तो क्या ये है कि हम जो भी देते हैं वो आत्मा ले जाती है या उसके पास जाता है, मैं जो दान करूंगी वो नहीं, अगर उसके पास चीजें जाती तो वो अपनी चॉइस की ले जाती, हम देते और जाती तो अपनी चॉइस की ले जाती ना, हमारा दिया हुआ स्थूल कुछ भी उसके पास नहीं जाता, उसके पास जाती है केवल फीलिंग, वाइब्रेशन, वेव्स, ये जाएंगे। हम पूछेंगे कैसे, दुनिया में चार भाषाएं काम करती है, जैसे एक अभी हमारे और आपके बीच में चल रही, इसको कहते ध्वनि का प्रकार, माना आवाज की भाषा, जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी कुछ भी हो सकती है, ये भाषा का एक प्रकार है, मेरा बोलना और आपका सुनना, आपका बोलना मेरा सुनना, दोनों हो सकता है। दूसरा प्रकार है इशारे की भाषा, संकेत जिसको कहते, एक करता है, दूसरा देखकर समझता है। तीसरा प्रकार है भाषा का इमेजेस, जितने भी देवताओं के चित्र बने, कहां 8 भुजा, कहां 16 भुजा, रावण के देखो 10 शेष, होता है क्या ऐसा फिजिकली जन्म, कहां उनकी बुराइयों को प्रदर्शित करने के लिए, कहां उनकी शक्तियों का दर्शन कराने के लिए ऐसे चित्र बने हैं, तो चित्रों की भाषा होती है। और चौथी भाषा होती है, माना ये 3 भाषाओं को तो दुनिया मानती है, सुनाओ ना तो कहते हाँ सही है, डाउट चौथी भाषा पर है, वो है संकल्पों की, विचारों की भाषा, होती है नहीं होती है। अभी आप बैठकर आराम से सुन रहे, अपने घर में ही हो ना, अब अचानक से हिचकी आना शुरू हो जाए तो क्या कहते हो, क्या कारण बताते हो हिचकी आने का, कोई याद कर रहा है, वो भी प्यार से, है ना। अच्छा, ये क्लास पूरी करके जब आप उठेंगे, अपने ही घर में चल रहे, अपने घर का नक्शा पता है, कहाँ स्टेप आ रहा है, कहाँ चढ़ना है, कहाँ उतरना है, पता है, और रोज करते हो, फिर भी अगर मान लो क्लास पूरी करके जब आप निकलेंगे और हल्की सी ठोकर लग गए, तो ठोकर लगने का कारण क्या बताते हो, क्या कारण बताते हो, कहते कोई कुछ कुछ बोल रहा है मेरे लिए, है ना, नेगेटिव बोल रहा है, तो ठोकर लगना माना नेगेटिव फीलिंग, और हिचकी आना माना पॉजिटिव फीलिंग, तो भाषा है। तो जाने वालों के पीछे जब हम दान पुण्य करते हैं, चीजें नहीं जाती है, लेकिन दान करने पीछे की भावना क्या है वो जाती है, कहां कंपटीशन के बेस पर करते, इसने इतना किया इससे मेरे को इतना करना है, कहां मजबूरी से करते, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसलिए करना पड़ेगा, कहां बहुत दुखी होकर करते कि वैसे ही पैसा कम है, वैसे प्रॉपर्टी में हंगामे है, और ऊपर से ये सब करना पड़ेगा। और एक होता है उस आत्मा के पीछे दिल से बड़े प्यार से करना, तो ये फीलिंग जाती है। जैसे कई बार होता है हमारे घर पर मेहमान आए, 2 दिन रुके, हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते उनके साथ, बाहर ले जाते, घुमाने ले जाते, खाना खिलाने ले जाते, जब वो जा रहे होते उनकी कार तक छोड़ने जाते, बड़े स्माइलिंग फेस के साथ कहते आप आए ना बहुत अच्छा लगा, एट ए टाइम अंदर ये चल रहा है जब जी चाहे आ जाते, जल्दी जाते भी नहीं, आएंगे क्या वो दोबारा आएंगे, हमने मुख से तो नहीं कहा था,
मुख से तो ये कहा आप आए ना तो बहुत अच्छा लगा, पर अंदर से बोल रहे थे ये लोग ना ऐसे है कि बिना बताए आ जाते और 2 दिन रहते, जल्दी जाने का नाम ही नहीं लेते, उन तक क्या पहुंचेगा? आपने जो स्माइलिंग फेस के साथ कहा वो, या जो सोचा वो, क्या जाएगा उनके पास? वो आना कम कर देंगे, और कभी मार्केट में मिल गया पूछ लो फिर क्यों नहीं आते, वो भी झूठ बोलते थे क्या करें ना, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है ना, नहीं आ पाते। तो जाने वाला वन वे में है, माना जा सकता है, रिटर्न आ तो नहीं सकता। तो ऐसी आत्मा को क्या देना चाहिए? गुड थॉट, पॉजिटिव थॉट, माना अच्छी फीलिंग के साथ उसको विदा करो, क्योंकि वो वन वे पर है। और अगर हम अच्छे विचारों के साथ उसको विदा करेंगे तो रिटर्न वो भी क्या करेगी? दुआएं देगी। दूसरी विधि करते हैं, जाने वाले के पीछे 2 दिन 3 दिन कहां कुछ घंटों के लिए एक दिया जला कर रखते। पूछो दिया क्यों जलाया, तो आंसर क्या होता है? ज्यादातर आंसर क्या होता है, दिया क्यों जलाते मरने के पीछे? कहते हैं शरीर से जो आत्मा निकली ना, उसको अपने घर का रास्ता, अपने घर का रास्ता माना परम धाम जाना या सदगति को पाना, ये रास्ता उसको ठीक से दिखाई दे, इसलिए हमने ये दीपक जलाया है। तो एक काम करिएगा, अभी आप तो रात में हो ना अभी वहां पर कि दिन में हो? रात जब हो जाए ना तो पूरा घर डार्क कर देना, माना लाइट ऑफ कर देना, एकमात्र दिया जलाना और उस दिए से सारे घर के काम करना। दैट पॉसिबल? नो, क्यों? तो हमने तो यहाँ दिया जलाया इस लोक में कि परलोक का रास्ता दिखाई दे, तो हम ये नहीं कह रहे दिया गलत है। दिया आस्था का, विश्वास का, शुद्धता का, भक्ति का ये प्रतीक जरूर है, लेकिन सदगति का आधार नहीं है। अगर मात्र दिया सदगति का आधार है तो 5 किलो घी स्टॉक में रखो, बोल दो मेरे मरने के पीछे ये करना ताकि सदगति हो जाए। यूं तो दिया एक क्रिमिनल के पीछे भी जलेगा, एक शराबी मर जाएगा तो भी जलेगा, एक साधारण आत्मा शरीर छोड़ेगी जब भी जलेगा, कोई पुण्यात्मा महात्मा जाएगी जब भी जलेगा, कल को हम नहीं होंगे तो भी जलेगा। तो सबके पीछे दिया जलाना और सदगति कर देना, फिर तो कर्म मायने ही नहीं रखते। कुछ भी कर लो, 5 किलो घी दे दे जाओ पीछे वाले, सदगति हो गई। सदगति का आधार दिए का प्रकाश नहीं, हमारे आत्मा के अंदर रहे हुए ज्ञान और पुण्य का प्रकाश हमारे आने वाले रास्ते को उजियारा बनाता है, और वो दिया मरने से पहले हमें खुद जलाना पड़ेगा, पीछे कोई जलाए ये नहीं होगा। अगर कर्म सारे जीवन गलत किए, पीछे 108 दिए जला ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु ये शुद्धता और आस्था का प्रतीक होता है कि जाने वाली आत्मा को सही रास्ता मिले, इसलिए दिया जलाते। तीसरी विधि करते, जाने वाले को 12-13 दिन तक, जब तक उसकी संपूर्ण विधि पूरी हो ना, 12वां 13वां जिसको कहते, तब तक उसकी पसंद का कुछ न कुछ बनाकर उस आत्मा को, जैसे भक्ति मार्ग में होता था कहाँ गाय को, कहाँ पशुओं को, कहाँ बच्चों को, ऐसे खिला दिया जाता था। वो इसलिए कि कहते थे कि यहाँ का रखा हुआ अन्न और जल उस आत्मा तक पहुंचता है, और यहाँ का रखा हुआ अन्न जल उसको क्यों देते, और वो भी उसकी पसंद। जैसे मान लो आपको कोई बुलाए भोजन पर और थाली में पहले ही करेला परोसा जाए जो कि बिल्कुल ही नहीं पसंद, खा तो लेंगे, और वहां से जब घर आएंगे क्या कहेंगे? दुआ देंगे, करेला नहीं पसंद था वही मिला है उसके घर, दुआ देंगे, कहेंगे ढंग से खिला नहीं सकते तो बुलाते क्यों है। तो मरने वाले को उसकी पसंद का देना मीन्स दुआओं का पात्र बनना, उस आत्मा को संतुष्ट करना, उसे जो पसंद है वो देकर खुशी देना। खाना उस तक नहीं जाता, लेकिन यहाँ का दिया हुआ जिस भावना से दे रहे, उसकी पसंद का दे रहे, वो फीलिंग उस तक जाती है और वो आत्मा उससे तृप्त होती है, और तब वो रिटर्न दुआ देकर जाती है।
तो यहाँ का रखा हुआ अन्न और जल उस आत्मा को खुशी के लिए दिया था, तृप्ति के लिए दिया था, तो उसको वही भावना पहुंचेगी, तो उसके पीछे बहते हुए आंसुओं का जल नहीं पहुंचेगा, उसके भी तो भावनाएं पहुंचेगी। और आंसू सुख के तो नहीं होते, दुख के होते, क्या देंगे उसको भी। अब मान लो जिसके पीछे हम रो रहे, वो आत्मा जब जिंदा थी, मतलब जीवात्मा के रूप में आपके घर में आपके संबंध में थी, तब जब कभी कोई कारण से आप रोते थे तो क्या उनको पसंद था? उस समय तो वो जिंदा थे, लाइव थे, तो आपको चुप भी करा सकते थे, कारण भी पूछते थे, हेल्प कर सकते थे, सॉल्यूशन निकाल सकते थे, पर उनके पीछे अगर दुखी होते रोते वो चुप भी नहीं करा सकते, कारण भी नहीं पूछ सकती, और आपको दुखी देखकर उसको भी दुख की फीलिंग आती है, तो ये काम कभी नहीं करे, क्योंकि वो वन वे में है। कितनी याद रखे बात, ना हम उसके पीछे जा सकते, और हमारे रोने से हमने उसको भावनाओं से बांध कर रखा है, न वो आत्मा शांति से जा सकते, रिटर्न तो है ही बंद, तो बीच में ऐसे नहीं छोड़ना है। कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो हमसे दो चीजें मांगती है, दे सकते हो? महाभारत के अंदर जब अभिमन्यु का वध हुआ, सबसे छोटी आयु का वीर योद्धा, तो उसके संस्कार के लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसकी अपोजिट पक्ष और अपना खुद का पक्ष दोनों हाजिर थे उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, पर एक इंसान था जिसके ओर से श्रद्धांजलि नहीं मिली थी, मुक्ति नहीं मिली थी, शांति का दान भी नहीं मिला था, और वो थी सुभद्रा, माना अभिमन्यु की माता जी। वो युद्ध मैदान से कोशों दूर है, मोबाइल नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, फास्ट व्हीकल नहीं थे, कोई घुड़सवार कोशों का अंतर काट कर जाए, बड़ी युक्ति से समाचार दे, उनको सांत्वना दे, फिर उनका रिटर्न रिप्लाई ले, फिर कोशों का अंतर काट कर इधर आए, तब तक उस वीर योद्धा की आत्मा को भटक ना रखना। और खास हिंदू धर्म में माना जाता है, कोई भी आत्मा अगर हमारी वजह से अटक रही है या भटकी हुई है, वो सबसे बड़ा बोझ है, और ये बोझ सुभद्रा के सिर पर ना जाए, उसके खाते में जमा ना हो, इसलिए सुभद्रा की ओर से श्री कृष्ण ये दान अदा कर देते, क्योंकि वो वहां प्रेजेंट है। तो जाने वाली आत्मा हमसे दो ही चीज मांगती है, प्यार से मुक्ति माना छुट्टी दो, और शांति से विदा करो। परिवार से कोई भी जाता है, महत्व हरेक का है, चाहे छोटा युवा बूढ़ा जो भी है, कमी हरेक की खलेगी, क्योंकि संबंध होता है, और कोई नहीं चाहता कि वो जाए, लेकिन जाने के बाद भी अगर हम उस आत्मा को घर में संबंधों में जिंदा रखना चाहते, तो एक विधि है जो हम उसको घर में जिंदा रख सकते, माना अपने साथ महसूस कर सकते, जैसे जितने भी देवात्माएं गए, पुण्यात्माएं गए, महात्माएं गए, लाइफ तो नहीं है ना, पर फिर भी उनके चरित्र आदर्श आज भी गाए जाते, तो जाने वाले को अगर घर में जिंदा महसूस करना चाहते हैं, तो एक विधि कर ले कि जो आत्मा गई है घर से, उसकी जो बेस्ट बेस्ट क्वालिटी थी, जो भी उसकी स्वभाव थे अच्छे वाले, जो उसका अच्छा व्यवहार था, श्रेष्ठ चरित्र था, उसको अपने जीवन में अपना ले, उसका स्वभाव खुद में धारण कर ले, उसकी शक्तियों को, जिस शक्ति से वो काम करता था, जिस स्वभाव से वो काम करते थे, उसको खुद स्वीकार कर ले। जैसे प्रॉपर्टी बांटते हैं ना, स्वभाव भी बांट लिया जाए, क्वालिटी बांट ली जाए, इससे एक काम हो सकता है कि हो सकता है उसके अधूरे सपनों को हम साकार कर सके। और वो जाने वाली आत्मा जब अपने संस्कार और संस्कृति हम में जिंदा देखेगी, इससे बड़ी दुआ और कोई नहीं होती। जो वो ये चाहती थी कि ये अच्छाई हो, ये अच्छा कार्य हो, गलत नहीं, अच्छी बातें स्वीकार कर ले। जैसे प्रॉपर्टी बांटी जाती है, उसको हक से स्वीकार करते हैं, उसके संस्कारों को भी हक से स्वीकार करें।
यूज करे, कर्म में लाए, उसके आदर्श जिंदा रहेंगे, उसके चरित्र जिंदा रहेंगे, उसके संस्कार जिंदा रहेंगे, हम में जिंदा रहेंगे। जैसे आज भी देखो कई बच्चे होते हैं डिट्टो अपने पेरेंट्स जैसे स्वभाव, संस्कार, दिखना, बोलना, तो हम कहते हैं मास्टर है, माना कॉपी है। और जब आपका बच्चा, जैसे आप जिंदा हो और आपके बच्चे को कोई बोल दे ये बिल्कुल आपके जैसा नेचर वाला है, आपके जैसा ही अच्छा है, सुनकर कितनी खुशी होती है। वही खुशी उस आत्मा को होती है जब उसके चरित्र और संस्कारों को धारण कर लेते हैं। तो ये कार्य करना होता है। उसके बाद देखो कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12-13 दिन तक उसके घर में सब बैठ नहीं जाते, इकट्ठे होते हैं, कोई ना कोई प्रवचन रखते हैं, कहाँ महाभारत, कहाँ गरुड़ पुराण, ये सब पढ़ा जाता है। वो इसीलिए कि 12-13 दिन तक वो आत्मा सूक्ष्म बॉडी के साथ उसी घर में होती है, वो वाइब्रेशन को देख रही होती, महसूस कर रही होती है। तो हम उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करते रहते ताकि वो आत्मा संतुष्ट होकर इस घर से विदा ले। तो ये विधियां इसके लिए है। उसके बाद देखो कि जब किसी की डेथ होती है, जब ब्राह्मण को बुलाते, विधि कराते, तो हर चीज उसको दान दी जाती है, छोटे से छोटी अनाज से लेकर उसके यूजफुल जो भी चीजें होती है। हमने पहले ही बताया चीजें नहीं जाएगी, लेकिन ये कामना रखते सब कुछ देने का अर्थ ये होता है उस आत्मा को नेक्स्ट जन्म में सब कुछ मिले, कमी कुछ भी नहीं रहे। पर आज जो हमें प्राप्त है और आने वाले जन्म में जो प्राप्त होगा उसका आधार किसी का दिया हुआ दान है या हमारा किया हुआ व्यवहार, बोल और कर्म है। हमारे पीछे जो करेगा वो तो उसका जमा हो रहा है। हर जन्म में हमें जो भी मिलता है, तन मन धन समय स्थान पोस्ट पोजीशन, यहां तक रंग रूप संस्कार, ये हमारे पास्ट के किए हुए कर्मों का फल होता है। तो आने वाले कर्म के लिए, आने वाले जन्म के लिए खुद को खुद से तैयार करना पड़ेगा। इसका कोई टीचर नहीं होता। आने वाला घर, आने वाला परिवार हमें खुद तैयार करना पड़ेगा। और वो तैयार कैसे करेंगे? जैसे स्वभाव वाले लोग हमें पसंद है, जैसे व्यवहार वाले लोग हमें पसंद है, मीठा बोलने वाले, अच्छा करने वाले, हेल्पफुल नेचर वाले, जो हमें पसंद है, पहले वो नेचर से वो व्यवहार हमें उन आत्माओं को देना पड़ेगा। वो आत्माएं हमारे परिवार के लिए, हमारे नजदीक के रूप में वो बंधती है, वो तैयार होती है। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि हम किसी को गलत 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 दे और रिटर्न वो बिल्कुल सही 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 दे, हो सकता है कि कोई नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में देख लो एक दरवाजा ऐसा नहीं है जहां मृत्यु ने दस्तक नहीं दी हो, आनी तो है, लेकिन जब वो आए हम रेडी पोजीशन में है, कोई कंप्लेन नहीं, होमवर्क कंप्लीट करके, अनकम्प्लीट की कंप्लेन होती है। ये हुआ था ना, बच्चे को भी पूछो होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया, लाइट नहीं थी ना, पेरेंट्स नहीं थे ना, तबीयत ठीक नहीं थी ना, अनकम्प्लेन की कंप्लेन ज्यादा होती है। कंप्लीट तो रेडी पोजिशन में, तो जब डेथ हो तब हमारी सिचुएशन क्या है। हम देख लो जो अभी जीवन के पास आईडी होती है, आधार आईडी होता है, ब्लड ग्रुप आईडी होता है, ये अलग अलग आईडी होते हैं। क्या ऐसा कोई आईडी है जिसमें ऊपर वाले ने हमें एज लिख कर भेजा हो, आप 60 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, भेजा है लिख कर, फिर भी हम ऊपर वाले को कहते कि हम जब माला जपेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वो हम 60+ के बाद करेंगे, उसने तो ऐसा दिया ही नहीं है, फिर भी हम कहते 60 के बाद ही करेंगे हम। अच्छा जो 60+ है क्या कर रहे हैं अभी? वायदा तो यही किया था,
हम ये करेंगे, 60 प्लस के बाद क्या कर रहे हैं? 60 प्लस के बाद हालत ये होती है कि कुछ अच्छा सुनना चाहेंगे, कान काम नहीं कर रहे, कुछ अच्छा बोलना चाहेंगे, मुख भी काम नहीं कर रहा है ढंग से, सेवा करनी है, हाथ पैर नहीं चल रहे। 60 प्लस के बाद हमें अपना शरीर साथ नहीं देगा तो घर परिवार समाज क्या खाक साथ देगा। इसलिए जो करना है प्रेजेंट में करें। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, इसको एक गुल्लक दे दो, गुल्लक समझ में आया, बैंक बैलेंस उसका छोटा सा गुल्लक देते, उसको समझा देते जो भी कोई आए ना आपको पैसा दे ना इसमें डाल देना, वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी का हिस्सा नहीं है। और जिस दिन उसको गुल्लक मिलता है बहुत खुश हो जाता है क्योंकि बहुत इनोसेंट है, उसको ये नहीं मतलब है कि इसके पीछे कितने जीरो वाला निकलेगा, उसको बस इतना पता है ये गुल्लक जल्दी भर जाए और जितना जल्दी भरेगा उतना सारा मेरा होगा। तो जिस दिन गुल्लक दे दो ना, उसके दूसरे दिन से वो वेट करता है आज कौन आएगा, हमें नहीं पसंद कोई आए पर वो वेट कर रहा है आज कोई आए मिलके जाए और जाए तब मुझे देके जाए, साल दो साल छह मंथ, कभी भी जब उसका गुल्लक भर जाए ना तो उस बच्चे के चेहरे पर खुशी देखो क्या होती है, कुबेर के खजाने के बराबर, क्योंकि उसको अमाउंट से मतलब ही नहीं है, उसको तो भर जाने से मतलब है बस। तो गुल्लक जब तोड़ो क्या निकलता है, क्या होता है अंदर, नॉट ज्यादा चिल्लर ज्यादा, नॉट तो बैंक अकाउंट में होती है, गुल्लक में थोड़ी ना होती है, गुल्लक में तो ज्यादातर क्या है चिल्लर है ना। चिल्लर के तीन अर्थ होते, चिल्लर मीन्स आवाज ज्यादा, नॉट की आवाज नहीं होती है, चिल्लर की आवाज होती है माने सिक्के कॉइन, आवाज ज्यादा, वजन ज्यादा और कीमत कम। हमारे जीवन के गुल्लक की हालत यही है, आवाज बहुत है, मैंने इतना दान किया, इतनों को मदद की, इतनों को आगे बढ़ाया, ये किया ये किया ये किया, अब बोझ कौन चेक करेगा, और बोझ ज्यादा होने के कारण वैल्यू कम है। घर से बाहर निकलो ना, अगर एक बॉल पेन गिरी हुई दिखाई दे जो कि थोड़ी अच्छी कंडीशन में, बैक पेन होगा ना तो भी एक बार झुक कर उठाएंगे, चला के देखेंगे ढंग की है तो यूज करेंगे, नहीं तो फिर फेंक देंगे। 20 रुपए की पेन होती है, 25 रुपए की, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की, उसके लिए भी हमने झुका, समय दिया, चेक किया, पर एक इंसान गिरा हो ना देखने को भी तैयार नहीं है। तो 20 रुपए की पेन की वैल्यू इंसान की नहीं है, क्यों, कर्म बदल गए, स्वभाव बदल गया, खुद की वैल्यू खुद ही ने कम की है। इसलिए मृत्यु से पहले अपनी तैयारी करो, क्योंकि ऐसी कोई सिस्टम ऊपर वाले ने नहीं बनाई है जहां आप ये कह दो इस जन्म में मेरा शरीर बहुत निरोगी है, अब अगले जन्म में पता नहीं कैसा मिलेगा, यही बॉडी वहां ट्रांसफर कर दो। इस जन्म में इतना अच्छा तो महंगा बंगलो बनाया, अब अगले जन्म में पता नहीं क्या मिलेगा, यही वहां पर ट्रांसफर कर दो। इस जन्म में मैं कलेक्टर हूं अच्छी पोस्ट पर, अगले जन्म में फिर से पढ़ना पड़ेगा, यही सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर दो। कोई सिस्टम ऐसा अवेलेबल नहीं है, एक ही सिस्टम है, अपनी दुआ अपना पुण्य। ये जैसे मान लो कहीं घूमने जाओ ना, जैसे आप लोग इंडिया आते हो रिटर्न करा के ही आते हो ना, कि बिना कराया जाते रिटर्न करा के आते हो ना, रिटर्न टिकट माना बिना झंझट बिना टेंशन के और समय पर तैयार रह सके। हमने भी जब ये जीवन यात्रा शुरू की ना, हम में से कौन ऐसा है जिसके पास रिटर्न टिकट नहीं है वापसी की, है क्या कोई, बस वो कब की कन्फर्म है ये नहीं पता, पता है कल की है परसों की है नेक्स्ट ईयर की है, कई बार डॉक्टर ऐसे कन्फर्म करके देता है बहन जी ये 24 घंटे, ये 48 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, है ना,
अब मान लीजिए कोई हमें यह कहता है 2 दिन, 24 घंटे या 48 घंटे, और हमारा पूरा परिवार हमें छुट्टी दे दे, जब आप 24 घंटे या तो 2 दिन जीने वाले हो ना, तो ये सारे कारोबार छोड़ दो, आपको जो राम नाम लेना है, जो दान पुण्य करना है, जो अच्छा पढ़ना है, जो अच्छा लिखना है करो, परिवार ने छुट्टी दे दी। पर यहां से अभी से 2 दिन की गिनती शुरू हो रही है, तो सबसे पहले बुद्धि राम नाम में लगेगी। वो घड़ी टिक टिक कर रही है, 2 दिन के बाद मरना है, राम नाम में बुद्धि जाएगी? मौत का यहाँ टाइम सुनाया जा रहा है बार बार, 2 दिन 2 दिन 2 दिन, राम नाम याद आएगा, दुनिया के राम याद आएगी, इसको मिलना था, इससे बात करनी थी, इससे एक बार बात कर लेते, इससे मिल लेते ना, कितने टाइम से नहीं मिले थे, आधा पौना दिन तो निकल जाएगा। फिर बुद्धि कहाँ जाती है? प्रॉपर्टीज में, साइन कर दू, विल कर दू, ये झंझट खत्म कर दू, पीछे वाले को टेंशन नहीं रहे। एक और दिन निकल गया, फिर पूछा जाता है आपकी अंतिम इच्छा क्या? अरे मुझे यहाँ घूमना था, ये स्थान देखना था, ये खाना था, इसका टेस्ट नहीं किया था, 2 दिन फिनिश। इसे ऊपर वाला कंफर्म बताता ही नहीं है, ऊपर वाले ने तो 3 ही बातें बोली है, जो होगा अचानक होगा, अचानक होगा, उसके लिए आप एवर रेडी रहो, और एवर रेडी रहने के लिए अभ्यास बहुत काल का चाहिए, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। इसी के लिए भक्ति मार्ग में कहावत है, अंत मते सो गति। तो ज्यादातर लोगों ने इसका अर्थ क्या निकाला, हम सब भी क्या जानते हैं, अंत मते सो गति माना क्या? शरीर का जब अंत आए, उस समय हमारी मानसिक अवस्था जो होगी, माना मति जो होगी, वो हमारी गति होगी। माना लोगों ने यही समझ लिया, हमें केवल अंत सुधारना है, बाकी आदि मध्य कुछ भी कर दो। यही था ना 60+ का वादा, इसलिए तो किया था, आदि मध्यंत कैसा भी निकाल लो, बस अंत ही तो सुधारना है, नहीं तो अंत में कोई ये नहीं कहे मति मारी गई थी क्या, इसे मति अंत में सुधारेंगे ताकि गति हो। अब एक एग्जांपल देखो, प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं कहूंगी, प्रैक्टिकल बात कहूंगी। आप घर में 4 लोग रहते हो, 4 लोगों के नाम बोलने की आदत है, ठीक है, या तो जो सेंटर पर भी देखो आप 4, 5 या 10 माताएं जो भी सेवा करते हो उनके नाम बोलने की आदत है। एक दिन भी आपको आपकी दीदी या आपके परिवार वाले कहीं और ले जाए, जिनको आप जानते हो, आपके ही लोग हैं, नाम भी पता है, फिर भी आदत के वश कौन से नाम निकलते मुख से, कौन से नाम निकलते? जिनके साथ हमेशा रहते, जिस नाम को बोलने की पुकारने की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है, जबकि सामने पर्सन दिखाई पड़ रहा है कौन है, ये नाम भी पता है, तो आदत यहां तक काम करती है कि सामने दिखने वाला पर्सन पता होने के बावजूद आदत से नाम वही निकलेगा, तो सारी जिंदगी बद्दुआ, गाली, वेस्ट, साधारण, ये सब निकला है, तो ऑटो मशीन तो नहीं है कि अंत में अचानक से राम निकल जाएगा। मति से गति होगी, नो डाउट, पर पहले मति तो तैयार करो, मति तो तैयार करनी पड़े। एक घर में 2 ट्विंस थे, जब भी उनके फादर ऑफिस से आता ना, तो जो एक था वो जब भी फादर आते थे रोज उसको टीवी देखता हुआ दिखाई पड़ता था, और एक था वो रोज स्टडी करता हुआ दिखाई पड़ता, कब? एग्जाम के 1 वीक पहले। जब रिजल्ट आई ना, तो टीवी देखने वाला पास था, पढ़ने वाला फेल था, तो उसके पापा ने बोला सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा, ऑनेस्टी का भी जमाना नहीं रहा। तब उसकी मम्मी अंदर से आवाज लगा के बोलती है, इसने साल में पहली बार किताब पकड़ी थी और ये तैयारी करके टीवी देख रहा था। हमारी हालत क्या है? तैयारी करके बैठे, या जब जब हमारा फादर आए तब तब बैठ जाएंगे दिखाने के लिए? तैयारी के साथ जियो, जीने को मना नहीं है, सुख भी लो, साधन भी यूज करो,
पर मरने की तैयारी सामने रखता है। जैसे एक नाटक में रोल प्ले कर रहे होते हैं, बार बार घड़ी देखते, इतने बजे नाटक पूरा होगा, इतने बजे नाटक पूरा होगा, नाटक भी पूरा रिमाइंड में मन में रहता है, ये डायलॉग लास्ट है, ये एक्शन लास्ट है, इसके बाद फिनिश, इसके बाद फिनिश। और हम जीवन तो ऐसे जीते जैसे कभी मर नहीं वाले, अनेकों को मरता हुआ देखते फिर भी ऐसे ही जीतते जैसे हम नहीं मरेंगे। तो जीवन जीने का सही अर्थ ये है कि हमारे पीछे कोई विधि करे या नहीं करे, पर हमारे कर्म हमारा पुण्य इतना बलवान हो, जो हमारा कर्म हमारे पुण्य हमारी दुआ हमें अच्छा घर दे दे। तो जैसे हम आपसे पूछ रहे थे, हम रिटर्न करा के आए ना, ऊपर वाले ने भी हमें रिटर्न देकर भेजा है। और जैसे स्कूल में बच्चों को होमवर्क दिया जाता है ना, कल आओ तो ऐसे 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 करके आना कंप्लीट, ऊपर वाले ने भी कुछ कुछ होमवर्क दिए थे, दुआएं देना दुआएं लेना, सुख देना सुख लेना, शांति देना शांति से जीवन जीना, अच्छे कर्म से भाग्य बनाना, न बद्दुआ देना न बद्दुआ लेना, न दुख देना न दुख लेना, ये सारे होमवर्क थे। कंप्लीट कंप्लीट है ये। अब अपने आप से पूछो, अगर अभी मौत सामने आए तो ये सारे होमवर्क कंप्लीट है? मना कर रहे हो, मतलब हमारा जीवन अभी तक गुल्लक पर ही है, बैंक अकाउंट नहीं बना है। तो जब जीवन से निकलेंगे दो खाते होंगे, पाप और पुण्य, दुआ बद्दुआ, तो ज्यादा जमा कौन सा है, ज्यादा जमा कौन सा है? एक टाइम पैसा भी नहीं होगा ना तो भी बाजू वाले से संबंधी से मांग लोगे, इतना दे दो, चावल कम हो गया एक कटोरी चावल दे दो ना, एक कटोरी शुगर दे दो ना, कल जब बीमार पड़ो ना तब कटोरी लेके निकलना, एक कटोरी शांति दे दो, एक कटोरी दुआ दे दो, एक कटोरी खुशी दे दो, मिल जाए तो ले आओ। जीवन काल जमा की होगी तो मांगने की बारी नहीं है, अपने बल से जाएंगे, किसी के आधार पर नहीं रहेंगे। तो जब भी किसी की डेथ होती है हमें ये दान जरूर करना है दो चीजों का, उसे प्यार से छुट्टी दो और शांति से विदा करो, क्योंकि ये दो चीज की जरूरत हमें भी पड़ेगी। कई लोगों की आपस में इतनी दुश्मनी होती है, नहीं बनती है, तो कहते मुझे नहीं चाहिए उसकी दुआ और शांति, हम तो ऐसे ही निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे, सबसे गाढ़ रिश्ता एक प्यार होता है और एक दुश्मनी होती है, दोनों नहीं भूलते, करके देखो। कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो प्यार वाला भी याद आएगा, पर सामने दुश्मन भी याद आएगा कि आड़ी टांग ना कर दे, ये नुकसान ना कर दे। इसलिए अगर दो चार अच्छे दोस्त नहीं होंगे ना तो चलेगा, पर दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि वो टेढ़ा होगा और अंत में खुदा के बदले पहले वही याद आएगा। इसलिए जीवन यात्रा चलते चलते जब अंत की ओर ही चलना है, ये तो फाइनल है, तो उसके लिए खुद को तैयार करना है, मेंटली भी और अपने कर्मों के जमा के खाते के आधार से भी, क्योंकि अंत में कोई देने आने वाला नहीं, हमारा जमा होगा तो ही होगा। हम सारे कामों के लिए समय निकालते, झाड़ू पोछा भी करना है, खाना भी बनाना है, घर की सफाई भी करनी है, संबंध निभाने, 24 घंटे ही है, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है ना हमारे पास, है क्या? काम ज्यादा है तो ऊपर वाला समय ज्यादा दे देता है। चींटी भी 24 घंटे में काम पूरा करती है, हाथी भी 24 घंटे में काम पूरा करता है। इन्हीं 24 घंटे में हम डेथ वाला काम भी पूरा करते, जन्म वाले काम भी पूरे करते, लेकिन इसी 24 घंटे में हमें अपने लिए कहा जाता है कुछ अच्छा सोच लो, कुछ अच्छा चिंतन कर लो, खुद को प्रिपेयर करो, कुछ अच्छा सुन लो, समय नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। और टाइम नहीं है नहीं है बोलते बोलते हमारे शब्द सार्थक हो जाते, टाइम मिलता ही नहीं और कर ही नहीं पाते। एक घर के अंदर
11 साल के बाद दो बच्चों का जन्म होता है ट्विंस। बड़ी भक्ति और आस्था के साथ उन्होंने, मतलब बहुत भक्ति की विधि करने के बाद ये दो बच्चों का जन्म हुआ था। तो उस घर की माता ने उन दोनों बच्चों का नाम रखा था, ये प्रैक्टिकल किस्सा है, कहानी नहीं है, एक का नाम प्रभु, एक का नाम प्रसाद रखा था, माना प्रभु प्रसाद है, ये ऊपर वाले ने दिया है। तो एजुकेटेड फैमिली था, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी सी पालना की, अच्छे संस्कार दिए उनको। 17-18 साल के बाद ऐसा हुआ कि एक लड़का बाहर पढ़ने गया, माना दूसरे शहर में। जब कुछ साल के बाद वो आया तब उसके पिताजी ने देखा इसको कुछ कुछ व्यसन लगा है, कुछ खाने का, कुछ पीने का। तो उसके फादर ने कहा, बेटा ये तो हमारे घर में नहीं चलता है, इसे छोड़ दो। बोले, हाँ पापा ट्राई करूंगा। दोबारा आया और बढ़ा था, कम नहीं हुआ था। उसके पापा ने फिर बोला, बच्चा इसको छोड़ दे, ये सही नहीं है, इससे पैसे भी वेस्ट होते, शरीर भी खराब होता है। बोले, पापा ट्राई करूंगा। फिर जब उसकी शादी हुई तो उसके पापा ने कहा, देख बेटा एक जिंदगी तेरे साथ जुड़ रही है, अब तो इसका त्याग कर दे। कहते, पापा ट्राई करूंगा, नहीं कर पाया। जब उसके वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसको घर छोड़ने आया, रहती उसके साथ थी दूसरे शहर में, पर यहाँ उसको रेस्ट के लिए जब छोड़ने आया तब उसके पापा ने कहा, बेटा आज से तेरे साथ में बात नहीं करूंगा, फर्ज सारी पूरी करूंगा, क्योंकि जब घर में बच्चे नहीं थे तो मैंने ऊपर वाले से कहा था, जब बच्चे आएंगे मैं पूरी फर्ज अदा ही निभाऊंगा इन बच्चों की, तो मैं पालना तेरी करूंगा, सब कुछ करूंगा, पर बात नहीं करूंगा कि तूने व्यसन नहीं छोड़ा है। बच्चे को बुरा तो लगा पर आदी बन चुका था। अब इधर उसकी वाइफ की डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है, 5-6 दिन का टाइम डॉक्टर ने दिया है। इधर वो भी आता है और कहता है, पापा मेरे एक दांत में दर्द है और एक्सरे निकालने को बोला है कि आप मेरे साथ चलोगे। उसके पापा ने वादा किया था, हर फर्ज निभाऊंगा, इसे भले बात नहीं कर रहा था पर गया, एक्सरे करवाया, रिपोर्ट आई, 3rd स्टेज पर कैंसर है। फर्ज तो निभाने थे, बच्चे को एडमिट किया, ऑपरेशन किया गया। जिस दिन उसके वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया, अब दो अलग अलग हॉस्पिटल में माँ बाप बेचारे चक्कर काटे जा रहे, किधर जा रहे किधर जा रहे। जिस दिन उसकी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया ये न्यूज लेकर जब उसकी माँ हॉस्पिटल में गई उसके बेटे के पास, हाईफाई हॉस्पिटल है, प्राइवेट रूम है, इतना क्लीन है, फिर भी उसकी माँ देख रही एक छोटा सा कीड़ा उसके बॉडी पर चल रहा है। तो सोच रही थी इतनी गंदगी तो है नहीं, आया कहां से। दूसरा जब उसकी नजर गई तो उसके सड़े हुए दांत से और एक निकल रहा था। ये देखकर उसकी माँ की रूह कांप गई। उसने वहीं उसके बेड के नीचे चप्पल निकाले, चप्पल इसलिए निकाले क्योंकि बड़ी आस्था और विश्वास के साथ खुले पैर यात्रा करके इन दो बच्चों की मन्नत मांगी थी उसने। फिर चप्पल निकाल कर खुले पैर उसी मंदिर में जाकर भगवान से कहती है, सालों पहले एक बच्चा मांगा था आपसे, दो हाथ जोड़कर विनती करती हूं, ले लो इसे। हालत नहीं देखी जाती। तो ज्यादातर मृत्यु के बाद हम लोगों को यही समझाते हैं कि मरने के बाद जब 12वां 13वां होता है तो जो श्रद्धांजलि देने लोग आते तो कुछ ना कुछ उसके फोटो के पास एक थाल रखा होता है, उसमें धन दान करते, माना उसको काम आए। तो हम ज्यादातर कहते इसके पीछे ये दान करो, ये सही दान होगा, व्यसनों का दान कर दो, ये लाइफ को भी बर्बाद करता, धन भी खराब करता। और इंडिया में तो ये हालत है कि कहां कहां धन की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई रुक जाती पर उनके शराब और व्यसन नहीं रुकते हैं, बच्चों की लाइफ धुंधली हो जाती है। और कैंसर में कहां कहां उसको बचाने के लिए घर, जमीन, जागीर सब कुछ बेचा जाता, फिर भी डॉक्टर ये तो लिख कर नहीं देता ना कि ऑपरेशन टेबल पर हम इसको जीवन देंगे। अगर मर गया तो पैसा भी गया, घर गया, प्रॉपर्टी गई, इंसान भी गया। तो ये दान जरूर दो।
क्योंकि लाइफ भी बर्बाद करता, संबंध भी बर्बाद करते, और उसके पीछे उसका परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। ऐसे टूटे परिवार के साथ समाज क्या व्यवहार करता, इससे हम पूरे जानकार हैं। इसे इसको दान जरूर करना है। तो जीवन के साथ मृत्यु की तैयारी करना, माना जैसे क्लीन हम आए थे वैसे ही खुद को क्लीन करके हमें जाना है। और अभी ये लास्ट मोमेंट जो है कलयुग का अंत, ये तो ऐसी स्थिति है जैसे मार्च एंडिंग हो। मार्च एंडिंग में क्या होता है, लिया हुआ दिया हुआ बाकी जो कुछ है वो कहाँ कहाँ से लेने आएंगे। तो लास्ट मोमेंट पर भी बहुत स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं मिलेगी, कोई सुख देने वाली, कोई दुख देने वाली, कोई शांति मांगने वाली, कोई शांति देने वाली, सबके साथ प्यार से हिसाब चुक तो करते जाओ। एक ही बात बुद्धि में रखो, मार्च एंडिंग है, अगर नहीं किया तो, नहीं किया तो नए जन्म में पेनल्टी के साथ। इसलिए ये काम नहीं करना है। जो भी संसार से विदा लेता है, जब भी समाचार मिले, चाहे जानकार हो चाहे जानकार नहीं हो, 2 मिनट साइलेंस में बैठकर उसे शांति और मुक्ति का दान जरूर दे। और दान देने की विधि क्या है, जैसे मैं आज सोच लू मुझे 500 रुपया दान करना है, इच्छा अच्छी है, जिसको देना है वो भी योग्य पात्र है, जरूरत का पात्र है, लेकिन सिचुएशन ये है कि मैं 1000 ही कमाती हूँ रोज, सामने मेरा रोज का 800-900 खर्चा है, तो 500 दान कर पाऊंगी, फिर भी मुझे करना है, तो क्या है, 2 रास्ते, मैं अपने खर्चे कम कराऊं, इनकम बढ़ाऊं, या दूसरा रास्ता, मेरी पहले की कोई जमा पूंजी है, माना बैंक अकाउंट है, जमा का खाता है, उसमें से मैं दान करूं। तो जब हम कहते हैं कोई 12वें 13वें पर जाते फलाने को शांति देकर आते, जमा है, शांति जमा है, 24 घंटे गुस्सा ज्यादा, डर ज्यादा, घबराहट ज्यादा, या शांति ज्यादा, क्या यूज करते, जो यूज करते वो जमा है, वही दान देकर आएंगे। तो ये है पूरी मृत्यु के बाद की सिस्टम, जो हमें केवल बाहर से नहीं निभानी है, लेकिन सोच से, कर्म से, व्यवहार से, बोल से, पूरे पॉजिटिव और एनर्जी फुल होकर निभानी है। ये इसकी राइट विधि है। अच्छा जी, अभी आप कुछ पूछना चाहे, बोलना चाहे। ओम शांति। थैंक यू हेतल बहन। अभी हम हमारी ऐसी ऐसी हमारी सिस्टम है कि हम जब कोई इस तरह से फेस्टिवल हो या इस तरह से कोई बड़ी विधि से जब भी हम ये क्लास करते हैं, तो बाबा के बच्चे जो हैं वो भोग स्वीकार कराते हैं बाबा को। तो अभी मैं अनुरोध करती हूँ कि हम सभी, हमारे साथ चंद्रू दीदी जुड़े हैं, पूनम दीदी जुड़े हैं, हेमा दीदी जुड़े हैं, तो सैन फ्रांसिस्को और अनुभूति के जो निमित्त बहने हैं वो सभी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और हम सभी जो भोग की थाली तैयार लेकर बैठे हैं, हम फिर जो वीडियो है वो हम बाद में शेयर करेंगे, लेकिन पहले हम बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। हेतल दीदी, आप कमेंट्री देंगे श्राद्ध के प्रति भोग की बाबा के। तो हम जो भी भोग लेकर बैठे हैं, प्लीज अपने कैमरा चालू करेंगे, जिन्होंने भी भोग बनाया है। ओम शांति। सबसे पहले तो जिन्होंने भोग बनाया है, आशा है यही रखते बहुत ही अच्छी शुभ भावना से, एक तो बाबा के प्रति, दूसरा जिन जिन आत्माओं के प्रति हम भोग स्वीकार कराना चाहते हैं, उनको बुद्धि में रख के वो आत्माओं को हम क्या देना चाहते हैं, वो भावनाओं के साथ आज हम उनको बाबा के पास इमर्श करेंगे। बोलने की जरूरत नहीं है, बाबा बहुत ही खजानों से भरपूर है, केवल हमें उस आत्माओं को बाबा तक लाना है। बाप स्वयं उस बच्चे की इच्छा को जानकर उसकी जरूरत को महसूस करता ही है, और वो देंगे भी जरूर, भोग भी स्वीकार कराएंगे।
शांति। स्वयं को इस तन से बिल्कुल हल्का महसूस करते हुए मन में बाबा के प्रति स्थूल सूक्ष्म भोग और भोग की भावनाओं को इमर्ज कर बाबा के सन्मुख जाने के लिए स्वयं की मन बुद्धि को एकाग्र करें। शांत चित्त होकर परमात्मा मिलन की लगन के साथ बुद्धि बल से देह और देह की दुनिया से ऊपर उठते चले। महसूस करें इस संसार से ऊपर प्रकृति के पांच तत्वों से परे सूक्ष्म शरीर के साथ श्रेष्ठ भावनाओं के साथ सामने बाबा को देखते हुए मन को खुशियों से भरपूर महसूस करने प्यारा बाप दादा जो मुझ आत्मा का सर्व संबंधों से साथ निभाने वाला है चलो हम दिल से बात करें। जिंदी आत्माओं के निमित्त आज हम भोग लेकर आए बाबा आप उन्हें बदतर नहीं मर्ज करें। बाप के सामने उन आत्माओं को परिवार के रूप में देखते हुए स्वयं अनुभव करे आत्मा भी यही फीलिंग दे आप परमात्मा बच्चे हो ईश्वरीय परिवार के हो
हम देख सकते हैं। बाबा उन आत्माओं को, अपने ही बच्चों को सबसे पहले दृष्टि का वरदान देते हुए बल भरते हैं। सदा समीप रहने का ईश्वरीय परिवार से जुड़े रहने की शक्ति दे रहे हैं। जो भी आत्माएं मर्ज है बाबा, उन सब आत्माओं को स्वयं को स्वीकार करते और बच्चों को भी कराते, कई समय से अतृप्त आत्माएं बाबा के घर का, बाबा के हाथ से भोग स्वीकार करके तृप्ति और संतुष्टि की अनुभूति करते हुए बाप समान बनने का बल भरते हुए बाबा के घर का शुद्ध पवित्र शक्तिशाली भोग स्वीकार कराए। अन्न से मन की शुद्धि प्राप्त करते हुए आत्माएं भी स्वयं भाग्यशाली अनुभव करते हुए परमात्मा का धन्यवाद भोग स्वीकार कराने वालों का धन्यवाद बड़े प्यार से बाबा की दृष्टि लेते हुए से भरपूर होकर सूक्ष्म बल भरकर हम सब वापस अपने स्थान पर साकार रूप साकार शरीर के साथ कर्म क्षेत्र पर हाजिर होंगे। ओम शांति। हेमा बेन शांति। दिल नहीं चाहती है कि हम आवाज में आए। हेतल दीदी ने बहुत ही अच्छा आप हम सबको अनुभव कराया। सच में जो हेतल दीदी ने सुनाया दिल को छू जाने वाली बातें थी। उन्होंने कहा बाद में करने की बात नहीं है, जो हमें करना है अब करना है, यहां करना है। तो सच में आपकी जो ये बात है, यहाँ पे जो भी बैठे हैं बाबा के बच्चे,
ज्यादा करके जब से 1.5 साल में ज्ञान लिया है, और बाबा के बच्चे सारे अमेरिका से यहाँ प्रेजेंट है, कनाडा से भी है, इंडिया से भी है, और ये सब बच्चे बाबा के इतने पक्के हैं, जो बाबा की धारणा है कि नित्य रोज भोग लगा करके खाना, तो ऐसे बच्चे बैठे हैं जो भोग लगा करके खाते हैं। तो एक चीज जैसे कि अभी भगवान को खिलाया, तो एक गारंटी है कि वो जन्म जन्मांतर हमें खिलाएगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छी रीति से ये बात को स्पष्ट की, इम्पोर्टेंस बताया कि, और साथ साथ मुझे ये भी बात आपकी दिल को छू गई कि क्या सच में हम रेडी हैं। मोस्ट ऑफ अस, आई एम ऑलमोस्ट देयर, 60 के ऊपर वाले हैं। बाबा बुलावे हम तैयार हैं क्या, है ना? दीदी ने बहुत ही अच्छी पॉइंट सुनाई, इसके ऊपर आप गौर करना, विचार करना कि आप रेडी हैं कि नहीं। अगर रेडी नहीं है तो क्यों रेडी नहीं है, है ना? सो थैंक यू। जा बाबा।